सिंह खहरा ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਵਲੰਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਡਿਗਿੰਗ ਫਾਰ ਫੈਕਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੈਨ ਜੰਪਿੰਗ ਟੂ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਐਂਡ ਫੈਕਟਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸੀਸ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਇਗਨੋਰਡ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ निजी स्वार्थों की पूर्ति की जिहड़ी राजनीति है यह 2015 च शुरू होंदी है। उदों अकाली भाजपा सरकार है बादलों की और 2015 दे विच इक गैंग नूं फड़िया जांदा है उहदे सरगना दा नाम गुरदेव सिंह जिहदे फादर दे सरदार सुखपाल सिंह फादर दे फादर दे नाल संबंध ने जी जान पछाण है और उदू बाद गुरदेव सिंह दे अगे सरदार सुखपाल सिंह खहरा नाल नज़दीकी तालुकात ने किसे नाल भी हो सकदे। लो जी 2015 दे विच सरकार खहरा साहब नूं दबण दे लई इह स्टेटमेंट इशू कराउंदी है कि जिहड़े बंदे असीं फड़े है गोल्ड बिस्कुट समगलिंग करदे है उहनां कोलों 2-3 किलो हैरोइन बरामद हुई है ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 15 ਨੇ 75 ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਦੱਬਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੱਥਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ MLA ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ LOP ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਉਹ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਖੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਚੇ ਰੂਟ ਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ऐसी अनहोनी घटना होंगी जी कदे रेयर ही होंगी। 2015 दे विच जिन्होंने गवाही दी है PW4 ते PW5 दो गवाह रिकॉल कर लेते जाते हैं और रिकॉल कर लेते जाते हैं और ये कहना इत्थे बड़ा जरूरी है कि 2015 दे विच वो खहरा साहब का कोई जिक्र नहीं करते ते फिर ऑल ऑफ अ सडन समन इशू हो जाते हैं खहरा साहब उन्होंने बयान पर और बयान यह है भी जी सानू तो भुल ही गया भी किंग पिन तो इस गैंग दे खहरा साहब से उन्होंने 2 साल बाद याद आता है पहला गुरदेव सिंह तो बाकी सारे से उन्होंने 2 साल बाद याद आता है किने याद कराया किने दबा पाया कि तुम सियाने वो कहने जी खहरा साहब किंग पिन ने और जिहड़े गुरदेव सिंह जी दे और बाकी उस गैंग दे जिहड़े पैसे सी उह खहरा साहब कोल ट्रांसफर होए आ समन इशू हो जांदे आ केस जोरों शोरों दे उत्ते लड़िया जांदा है पंजाब गवर्नमेंट वर्सिस खहरा साहब ते सुप्रीम कोर्ट च केस पहुंचदा है सुप्रीम कोर्ट दे विच 2017 शायद दिसंबर च ऑल प्रोसीडिंग ऑफ द फाजिलका कोर्ट जी 2015 स्टे कर दी जाती है यदा मतलब समन क्वाश हो गए और खहरा साहब न बड़ी वीडी राहत मिल जाती है कि ना हालात की होया की नहीं होया मैं वो नहीं जाना चाहता लेकिन फिर एक होर मोड़ आता फिर तीजी सरकार प्रवेश कर जाती है उस तो बाद
बीजेपी की ईडी चुक लेती है खेरा साहब इसे केस च कि हालात क्यों और मैं तो ठोक के कहता 78 MLA से असी कांग्रेस के साडा मुख्यमंत्री बीजेपी का लो जी पता नहीं बड़ा कुछ सी ईडी के सामने आते होर बड़ा कुछ आता से दबाव बड़ा जबरदस्त से कई दबाव सिर्फ इस करके पाए जाते भी उन्होंने असर हो किसी पता नहीं लगे बंदा इंटैक्ट रहे साढ़े लिए काम करे लो जी उस तो बाद हुंदा की है कि ईडी 7-8 महीनों के 9 बार बुलाई है उत्थे सवाल करन दे लई 9 बार खहरा साहब नूं दिल्ली बुलाया जाता है भाई जी आ फलानी चीज का उत्तर दिओ फलानी चीज का उत्तर दिओ फलानी चीज का उत्तर दिओ ते 7-8 महीनों बाद खहरा साहब नूं अरेस्ट कर लिया जाता हुण तीजी सरकार अरेस्ट कर रही है इस गल नूं तुसीं समझ लो ते जदों अरेस्ट कर लिता जाता है खहरा साहब नूं ते महाराज उस तों बाद फिर पचीता मोड़ आता 5-4 महीने कट के खहरा साहब बाहर आते हैं फिर वो सारा केस दफन हो जाता महाराज तलवार लटकती है तलवार लटकती है और ईडी के सब तो वड्डे सवाल ये ने कि खहरा साहब की घरवाली की एक डायरी है जिदे उन्होंने रोजमर्रा का हिसाब लिखा होया अरे सब मेरी घरवाली भी लिखती है सब दे लिखते हैं अरे रोजमर्रा की हिसाब किताबों को देखते हैं वो हिसाब किताब जड़े ने कहते हैं वो कहते हैं भी 6-6 करोड़ रुपए की इनकम का तुम बयान नहीं दे सके खहरा साहब कहते मैं तो मुंडे तो कुड़ी का विआह जोड़ा है वो 50-60 लाख रुपये लोन लैके किया वो कहते जी लोन जो तुम एग्रीकल्चर जमीन के उत्ते किया तो थोड़ू एग्रीकल्चर की जमीन के उत्ते ही खर्चना चाहिए विआह वास्ते नहीं चलो वो वाजिब है फिर कहते जी 6.5 करोड़ रुपया जोड़ा तुम एक्सप्लेन नहीं कर सके थोड़े खातिया च आया है वो ड्रग मनी है और तुसी उदियां प्रॉपर्टियां खरीदियां ये वो बड़े सारे इल्जाम लगे हुण ये सारा कुछ ये तो पासे होण दे लई खहरा साहब ते उहदे पुत्तर की जिहड़ी जिद्दोजहद है उन्हूं लगे करीब करीब 7-8 साल फिर चौथी सरकार आ गई जी आम आदमी पार्टी तिखे सवाल ने चार रोज कटघेरे खड़ा करने नवजोत सिंह सिद्धू भी पुछदा है वह भी पुछदा मेरे तो सवालों का जवाब ही नहीं आया हल तक ठीक है वो भी पुछता सी कई बार थोड़ा जा कच्चे रूट भी जाता सी जिहड़ी चुभदी सी ठीक है कि नहीं ब्याहां बारे होर भी चीज़ा आपां च ना जाइए हुण जिमनी च नाम पाता ते जिमनी च नाम पा के बैकडोर एंट्री भी भाई 2015 का केस है जी कि इनवैसटीगेशन जी हल तक पूरी नहीं हुई फिर उही SSP है वो किहदी हदायत के उत्ते अज दोषी ठहरा रहा है यह जिहा किहड़ा नवां एविडेंस है जिहदे बना दे उत्ते तुसीं दोषी ठहरा रहे हो खहरा साहब सवाल यह नहीं है मित्र प्यारे सवाल यह है कि यह उस सिस्टम है यह उस सिस्टम दीयां कुरीतियां ने यह त्रासदी पंजाब दी और देश दी यह है कि यह सिस्टम इहो जिहा बन गया कि जिहड़ा सच्चे सवाल पुछदा ना और सरकारां नूं सवाल हुंदे लोकतंत्र दी यही ब्यूटी है देखो तुसीं जो देश आजाद होया सीगा किस तरह कमाल दीयां बहसां हुंदियां सीगियां खिड़े मत्थे बहस हुंदी सी डिसेंट हुंदी सी डिबेट हुंदी सी जिहड़ी कि डेमोक्रेसी की बुनियाद है उस बुनियाद नूं तोड़िया जा रहा डेमोक्रेसी की इमारत किड़किड़ किड़कर करके थल्ले आउंदी है उहदी लड़ाई चलती है कानून छिके ते टंग तक जिहड़ियां एजेंसियां कानून नूं फैसिलिटेट करदियां उहनां दा सियासीकरण हो गया कि पुलिस का सियासीकरण नहीं होया उ पुलिस 2015 कहती है फोन कॉल आई हैं उ अगे पुलिस बयान लेंदी है फिर विटनसा दे कहती है जी नहीं किंग पिन खहरा साहब ने उ फिर ईडी फैसिलिटेट कर दिंदी है तो ईडी कहती है 6.5 करोड़ का जवाब दो अज जिहड़े भगवंत मान साहब मेरा छोटा भाई ये कहते हैं तो बदला खोरी है क्योंकि उदों परिस्थितियां अड्ड सी जिहड़ी कांग्रेस कहती सी अंदर दिओ ठीक है उहदे खिलाफ भगवंत मान साहब बोलते सी कहते सी इहदा बदला खोरी है कोई तथ नहीं हैगे असीं तां पूरी जोर शोर नाल लड़ाई लड़ांगे अज पलटा खा गया
अज परिस्थितियां बदल गई, अज असी खड़े हाँ टक देने। तो मान साहब कहते मैं तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। मतलब किस इंतहा तक सरकार के गुनाहों के उत्ते पर्दे पाओगे, कद तक सवालों तो बचोगे मुख्यमंत्री साहब, कद तक तुसी दसोगे नहीं कि माफिया चलता कि नहीं चलता, रेतरी ट्राली 15,000 की क्यों बिकती है, माइनिंग क्यों हो रही है। थोड़े एक SSP नूं MLA ने बदलाता क्योंकि उन्हें माइनिंग के उत्ते सवाल किए, फिर ये कादी सरकार है, ये तो कह के आई सी माफिया बदलेंगे। हाँ जी, यदा मतलब यह हो गया कि लोकतंत्र भैतंत्र बनाता, डराओ। जिहड़ा सच्चे सवाल पुछदा है, जिहड़ा ईमानदार है, जिहदे पल्ले नैतिकता है, उन्हूं डराओ, उहदे उत्ते तलवार लटकदी रखो। तो बारंबार उन्हूं को चुप कर जा, जे चुप ना किया तो अंदर ठोकांगे। ये लोकतंत्र है, ये तो गंडा तंत्र है भाई। मैं कहना जिन्नियां कानून दी एजेंसियां ने, पुलिस होवे उत्ते, जिन्नियां एजेंसियां ने जिहड़ियां सरकारां नूं फैसिलिटेट करदियां, वो सरकारां दीआं कठपुतलियां बणदियां। ते सरकारां दे निजी स्वार्थां दी पूर्ति उहनां दे गुनाहां दे उत्ते पर्दे पाउण दे लई, हां जी, ते सच्चे सवालां नूं दबाउण दे लई, ताकि कोई सवाल ही ना करे, एडा दिओ इक झूठ नूं 100 बार बोलो, लोकां दा बेवकूफ बनाओ पॉलिसियां नाल, नहीं झूठे वादियां नाल, ते सच्चे लोकां दी आवाज़ नूं दबाओ। दसो जे जस्टिस इन्नी जबरदस्त चीज़ है, जे उहदी बुनियाद दे उत्ते लोकतंत्र खड़ा है, तो फिर 7-8 साल हो गए ये तलवार लटकदी क्यों है? तुसीं दसो ना किहड़ा तथ्य निकलिया, की निकलिया? जे मैलिस नहीं, बदलाखोरी की भावना नहीं, तो फिर मैं दसो निकलिया की इहदे चों? डू यू हैव एनी एविडेंस? वॉट विल बी दी फ्रैश एविडेंस जो तुम 8 सालों के कोई एविडेंस नहीं थोड़े को? ये सारे समझ आती है। तो महाराज NDPS के अगर एविडेंस मिल जाए, ये किसी को 500 पुड़ी भी बरामद हो जाए ना, उन्होंने अंदर दे देंगे, तो 3 साल तो बेल नहीं होंगी। फिर भाई 4 सरकार ने कार्रवाई की, 4 सरकार ने डराया धमकाया, 4 सरकार के 3 ने जेल च सटिया, हाँ जी, 4th ने इल्जाम लाए, कि निकलिया की? इस करके मेरा यह कहना है कि इस सिस्टम का टुटना जरूरी है, इस सिस्टम का बदलना जरूरी है, और लोकतंत्र की बहाली उसते नालों ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र दिखावे का रह गया, असल दे विच डंडा तंत्र है, भै तंत्र है, जिहड़े तो इस सिस्टम च समझौता करके शामिल हो गए, गोडे टेक गए, रातां दे नेरियां च जाके हाथ जोड़ गए, उन्होंने तो केस 2-2 साल याद नहीं आने। जिहड़े तिखे सवाल करते हैं जिन्होंने समझौता नहीं किया, द कलैप्स ऑफ अ मैनस कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, समझौते वाले ठीक हो गए क्योंकि सवाल सरकार नूं सवाल नहीं पुछते, लेकिन जिन्हें समझौता नहीं किया अंदर टंग लो, पुराने केस कट लो। 15 साल, वो 15 साल का 7-8 साल ही, मेरा 40 साल पुराना केस, बड़ी 1,000 रुपया फाइन, मुंडा कहता जी इन्होंने हाथ नहीं लाया मेरे सामने बैठ के, है जी, वो तो कोई होर ही है, तो किने केस किया, किने कढ़ाया, फिर तो 5वां कोर्ट बना लो भाई, है जी, तो 323 जी सब तो लोएस्ट है, वो साल अंदर देता। चीफ मिनिस्टर साहब कहते होर रखो, क्यों भाई? तो सवाल तो बंद नहीं हुए, सवाल हूँ भी बंद नहीं होने, देर सवेर सच अपना रस्ता बनाएगा, सच्चे मार्ग चलिया, उस्कत करे जहां गुरुआ की बाणी के मगर तुरंगे, उन्होंने चरणों की धूड़ मत्थे लावे, पंजाब दबेगा नहीं, प्यार सीस ले मित्रा, दबेगा नहीं। तुम कदे एडा दे के आए सी सरकार च, थोनों लोगों ने 92 सीटा जताइया, एडा दे के जताइया, एक विकल्प बनाया से बदलाव का, ये बदलाव नहीं है मित्रा, बदलाव खोली है।